शुरू अल्लाह ताला दे बबरकत ना तो जड़ा सब जहानां दा मालक है। मैं तुहाडा मेज़बान तय्यब मिर्ज़ा कमोबेश 4 महीने तो बाद तुहाडे सामने हाज़र खिदमत हाँ। मेरा अज दा मौजू पंजाब दी तारीख दा ओ सुरमा पुत्र ओ दलेर पुत्र जिदा ना जिदे ना तू गोरे कंब जांदे सन जिहड़ा एक खौफ ते दहशत दी अलामत सी ओदा नां सी निज़ाम लोहार। अज मैं तुहानू पंजाब दे उस फ्रीडम फाइटर पंजाब दे उस हुरियत पसंद पंजाब दे उस सूरमे दी दास्तान सुनाउण तों पहलां जिहड़े मेरे चार महीने तो बाद मैं तुहाडे सामने आया वां ते उहदे विच मेरी नज़र बंद हो गई सी ते मैं अल्लाह ताला दा लख लख शुक्र अदा करना जिन्हें मेरे को नेमत खो के तो दोबारा वापस की। मेरा पहला ऑपरेशन 5 मुहर्रम नूं होया ते दूसरा नहीं बल्कि आखिरी 15 रबीउल अव्वल नूं। अलहमदुल्ला मैं हुण काफ़ी बेहतर हाँ ते मैं उन्हां दोस्तां दा जिन्हां ने मेरे वास्ते दुआवां कीतियां दुआवां करवाइयां ते जिन्हां ने मेरा ख्याल रख्या हर तरह तों ते मेरी तिमारदारी की थी। मैं उन्हां सारयां दा बहुत बहुत ज़्यादा शुक्र गुजार हाँ। तो हुण आउने आं असीं अपने असल मौजू तरफ। निज़ाम लोहार पंजाब दा ओ हीरो है जिन्हों पाकिस्तान बनन तो बाद यानी कि पाकिस्तान ते हिंदुस्तान आज़ादी लैण तो बाद जिस तरह असीं अपनी तारीख नूं मसह कीता है ना ते असीं अपनी तारीख नूं मसह करन दे वैसे ही माहिर हाँ। असीं तो मुराद साड़ी स्पैशली असीं पाकिस्तान गौरमेंट ऑफ पाकिस्तान। निज़ाम लोहार ओ शख्स सी निज़ाम लोहार 1835 दे विच तहसील पट्टी लाहौर ते अमृतसर दे दरमियान तहसील पट्टी दे इलाके तरन तारण विच पैदा होया। ओ एक मुस्लिम घराने दे विच पैदा होया। उस दौर दे विच स्पैशली उस पट्टी ते तरन तारण दे इलाके विच गोरा राज जिथे जिथे भी आया सी जुल्मों सितम दे ते उन्होंने पहाड़ डाए हुए सन हर जगह ते लेकिन स्पैशली उस पट्टी ते विच लगान ज़्यादा लिया जांदा सी। उस पट्टी दा जिहड़ा इंस्पैक्टर सी कैप्टन कूल ओ एडा बद तैनत तनीयत इंसान सी कि ओ जिमीदारां दीआं औरतां नूं छेड़दा भी सी जिमीदारां नूं तंग भी करदा सी लगान दे बहाने उन्हां ते जुल्म सितम भी करदा सी। ते निज़ाम लोहार ने अपनी पैदाइश तो बाद जूं ही हल्का फुल्का होश संभालना शुरू किया उन्हें जिस तकिया वो कुछ चीज़ा खुदा दाद होंदियां ने पैदाइशी तौर पर उहदे अंदर गरीब की हमायत गरीब का दर्द सी तो उन्हें जिस वक्त तकिया कि छोटे छोटे किसानों एक गोरा रोज़ाना मारदा है तो मारदा भी इस गल ते सी कि तुसीं यानी कि कम नहीं ठीक करते लगान थोड़ा देंदे हो टैक्स थोड़ा देंदे हो। असी जितने भी बरसीर के लोग हाँ जिन्होंने यानी कि असी गुलाम रहे इंग्लिश अंपायर के तो साढ़े पिंड भी दे विच भी अगले दिन एक बजुर्ग मैं दसदे सन पे कि अद्धी कमाई यानी कि अगर ज 4 माणियां कणक होइए तो 2 माणियां वह ले लेंदे सन हिंदू साहूकार। तुसी एस्टीमेट कर लो कि 50% तो साढ़े पिंड विच रहा वे लगान लैण दा सिलसिला तो उधर तो कैप्टन कूल जा आराम दा बंदा सी उन्हें किसानों मारना उन्होंने औरतों भी जलील करना तो लगान दे बहाने वह अपनी तस्कीन करता सी। बहरहाल निज़ाम लोहार ने जिस वक्त सारा सिलसिला देखिया तो उसके अंदर बागियाना सोचा ने जन्म लेना शुरू कर दिता। वह स्कूल भी जान जिस जाता से स्कूल विच भी वह आम बच्चों तो लग थलग रहा जदू उन्हें 6वीं 7वीं होगा तो उन्हें पहली बारी अपने घर में भट्ठी का काम शुरू किया अपने यानी कि वह बाप फोत हो चुका सी तो उन्हें वह बाप की छड़ी हुई भट्ठी दोबारा स्टार्ट किया विरासत में तो जिस उन्हें काम स्टार्ट किया तो निज़ाम लोहार की तारीख लिख दी है कि उस शख्स ने सब तो पहला एक बर्छी बनाई तो एक कारबीन बनाई पिस्टल यानी कि पिस्तौल उन्हें दो चीज़ा बनाइया तो माँ ने चंगा भला यानी कि छिकया चंगा डांटिया
कि तू बना लिया ते तेरी मुखबरी होगी तो तेन तो गोरियांदर कर लेना। तो वह हल्का जहा मुस्कुरा के निकल गया, यानी कि वह कहने का मकसद से बेबे तेनों नहीं सारिया गलों का पता। उस तो बाद उदे स्कूल जेडे कह लो क्लास फैलो भी तो जे दूसरे भी अमृतसर बल्कि पूरे स्कूल में ही पता लग गया कि निजाम लोहार को हथियार है। आहिस्ता आहिस्ता आले दुआले दियां पिंड दियां बस्तियां नूं भी जितने जे छोटे जिमीदार है उन्होंने पता लग गया कि निजाम लोहार रात को गोरियां के खिलाफ वारदातां करदा है। वह उदियां बागियाना सोचा वह रात को जानि कि क्योंकि उस वक्त वह पावर भी है नहीं सी ना ही वह जानि कि इस उम्र में सी कि वह अपनी बगावत का ऐलान कर देता। सिर्फ उन्हें गरीबों की हमायत में रातों को वारदात कर शुरू कर दी। गोरा राज गौरमेंट ऑफ उस वक्त की गौरमेंट ऑफ पंजाब बारे मुखबरियां लभनिया शुरू हुई। शक तो उद्दे आया सी लेकिन उसके खिलाफ कोई भी पक्का सबूत ना उन्होंने लभ सकिया। तो निजाम लोहार अक्सर रातों को घर आता ही कोई नहीं सी, जे आवे भी तो रात को लेट आता। कहने का मकसद है कि नेरियां तू उन्हों खौफ ही नेरिया का उन्होंने खौफ है ही नहीं। जेडे चन चढ़न के आदि होवन उन्होंने नेरे कुछ नहीं कहते, जेडे दिन के मुतलाशी होवन वह नेरिया चीर जाते हैं। यह ही सेम सूरत हाल निजाम लोहार नाल सी। एक दिन वह घर परत्या तो घर का नक्शा ही उल्टे पलटे। उस वक्त वो घर के कैप्टन कूल ने किधरे छापा मारिया, छापा मार के तो वो घर चूँ वह कारबीना जो बनाई सी तो बर्छियां वो बरामद कर लिया। तो भैन जवान भैन बद निजत गोरे ने रैप भी किया तो वह सदमा तक के तो मां फोत हो गई। तो जिस निजाम लोहार घर आया तो उन्हें अपनी भैन की जुबानी यह सारी दास्तान सुनी तो उन्हें फौरी तौर पर अपने एक सज्जन शफी नाल अपनी भैन का निकाह कर दिता। निकाह करने तो बाद उस रात सीधा उत क्योंकि उस वक्त जो थाने होंगे सन वह गोरे की छावनी के होंगे है, उस छावनी में वजा तो उन्हें कैप्टन कूल में उत्थे जाके कतल करता। तो नाल चार पुलिस के वड्डे वड्डे गोरे अफसर भी मार। जूं सुबह जिस वक्त पता लगा आले दुआले दे पिंडां नूं लाहौर तो लग के तो अमृतसर तक जिहड़े छोटे जिमीदार है उन्होंने खुशी के नारे मारे कि कैप्टन कूल कतल हो गया, निजाम लोहार का वजगा वज गया, यानी कि निजाम लोहार की पई पई हो गई। गोरे ने फौरी तौर पर निजाम लोहार के खिलाफ उन्हें पूनण वास्ते फौजा तैनात कर दी, लेकिन निजाम लोहार जिस इलाके गुजरता सी उस इलाके के गोरे अफसर वो कतल कर देता। गोरे ने इस तरह किया कि अपने टोकटों के थ्रू यानी कि छोटे जिमीदार नहीं जेडे उस वक्त उसका साथ दे रहे हैं जिन्होंने जारी गल गोरे ने इतने पंजाब से 100 साल हुकूमत की है, सिर्फ पंजाब से नहीं बल्कि पूरे बरसीर से। तो 100 साल हुकूमत उन्हें इंजे नहीं की, उन्हें साढ़े जोड़े साढ़े गद्दार लोग आए ना उन्होंने तावों की। तो वो जो तावों लोग आए ना उस टाइम के तुम जगीरदार कह लो या जो भी उन्होंने नाम दे लवो, उस वक्त जोड़े तावों बंदे आए ना उन्होंने निजाम लोहार के खिलाफ प्रापोगंडा शुरू कर दिता। गोरे ने उन्होंने खिलाफ प्रापो उन्होंने थ्रू पंजाबियों के जहन च गल पाई कि निजाम लोहार एक डकैत है, एक सफाक है, एक कातल है। इस गल का ज्यादा गोरे ने यानी कि जिस वक्त नोटिस लिया तो वह उदू नोटिस लिया जदू उन्हें एक आई जी लैवल के बंदे निजाम लोहार ने धुपसड़ी की पट्टी के रोही नाले के उन्हें उन्होंने पुलिस अफसर रोनाल्ड को कतल करके तो सट दिता, उसकी लाश मसक करके सट दी। तो वह बर्छी वह गड्डी जी निजाम लोहार ने अपने हत्थों नाल बनाई सी, यानी कि गोरे नूं पक्का यकीन हो गया कि यह साडा जिहड़ा अफीसर है यह भी निजाम लोहार ने मारिया। बहरहाल उस तो बाद गोरे ने बकायदा एक इश्तहार छापिया, वह इश्तहार वो पंजाब के हर पिंड के लवाया कि जिहड़ा बंदा निजाम लोहार नूं गिरफ्तारी करवाउण च मदद करेगा या जिंदा या मुरदा उस बंदे नूं उस वक्त का यानी कि 1857 की जंगे आजादी के करीब का यह वाक्य है तो उस वक्त का 10,000 रुपया तो 4 मुरबे जमीन इनाम दी जाए। जिस वक्त यह इश्तहार लगे ना तो उस वक्त तक निजाम लोहार का तकरीबन पंजाब के जितने भी छोटे जिमीदार आए ना किसान कह लो क्योंकि जोड़े व्डे है वो तो उंजी उद्दे टाउट आए ना गोरे दे ते उन्होंने फौरी तौर पर उद्दे रद्दे अमल दे विच क्योंकि निजाम लोहार किसानों के वास्ते एक हीरो दा दर्जा अख्तियार कर चुकिया सी। उन्होंने छोटे जिमीदारा ने
फौरी तौर पर पूरे पंजाब दे विच उहदे रद्दे अमल दे विच उन्होंने घर घर जाके पिंड पिंड जाके ये सुनेहा दिता कि जिस भी बंदे ने जिस भी जगीरदार ने जिस भी वड्डे जिमीदार ने निजाम लुहार की मुखबरी की उहदे घर नूं अग ला दी जाए। उहदा फायदा यह होया कि किसी भी जगीरदार नूं जुरत ना होई कि निजाम लुहार की वह मुखबरी कर सके। निजाम लुहार इस तरह अपनियां वारदातां वह छापामार वारदातां करदा सी ते तरन तारा दे कोल ही किकरां वाली हवेली है, अज भी वह किकरां वाली हवेली इंडियन पंजाब दे विच वह एक विरसे दी हैसियत रखती है। यह तरन तारण वह इलाका है जिथे जाति अमराज यानी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का वो उत्थे ही पिंड है जिथे निजाम लुहार दा सी ते असले दा वह भी गन समेत सी। जिहड़ी मैं पाकिस्तान की तरीफ पढ़ी मैं कोई मियाँ नवाज शरीफ साहब का सपोर्टर या वोटर नहीं है, लेकिन मैं एक गल दसन लगा कि 1965 दी जंग विच जिहड़ा असला इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होया ना उस असले दी जिहड़ी है ना कह लो उहदा जिहड़ा लोहा डालिया गया वह मियाँ साहब की फैक्ट्री विच ही इतफाक फाउंडरी विच ही डालिया गया। यानी कि तुसीं कह सकते हो कि 1965 दी जंग विच जिहड़ा असला इस्तेमाल होया वह इन्हां दी फाउंडरी विच वह तैयार होया सी। बहरहाल एक अलहदा इशू है, साडा मौजू सी निजाम लुहार, वो इन्हों का जिक्र इस वास्ते विच आ गया कि वह भी तरन तारण का सी ये भी तरन तारण दा ही गन समेत से। बहरहाल उस तो बाद होया कि निजाम लुहार एक बार जा रहा सी किसे अपने घरे टूअर ते रस्ते विच उन्हूं एक औरत मिली माई मेहता, वह वैन करती जा रही सी ते वह बड़े दुखी वैन करती आई। निजाम लुहार ने अपना घोड़ा कोल रोक के तो उन्हें पूछा वा अम्मा के गल है, तो उन्हें दसिया पुत्र भाई मेरे पुत्र सुजय सिंह नूं पुलिस फड़ के लै गई है। तो उन्हें क्योंकि सुजय सिंह भी एक बड़ा बागी हीरो सी, वह भी इंग्लिश अंपायर के खिलाफ छापा मार अपने तौर पर कार्रवाइया करता सी। तो जिस वक्त इन निजाम लुहार नूं पता लगा कि सुजय सिंह गोरियां की कस्टडी में है तो उन्हें माई मेहता कहा कि अम्मा तू घर टुर जा तो सुजय सिंह मैं लै आना। उन्हें रात को उस छावनी वज्जिया तो उन्हें उत्थे गोरियां नाल मुकाबला करके गोरियां दे पुलिस ऑफिसर मार के कतल कर दिते तो सुजय सिंह रिहा करवा लिया। तो उहदे नाल ही कोर पंजाब दे इलाके माझे माझे का यानी कि मकसद कसूर छंगे मांगे का जबरू जट, यानी कि सुजय सिंह तो जबरू जट ये दोवे उन्हें रिहा करवा ले। जबरू जट भी अपने तौर पर गोरे के खिलाफ कार्रवाइया करता सी। तो जिस वक्त वह दोवे ने रिहा करवा ले तो उन्हें जी माई मेहता सी सुजय सिंह की माँ उन्हें निजाम लुहार नूं अपना मूँह बोला पुत्र बना लिया। उस तो बाद होया कि इन्होंने जी गोरे के खिलाफ निजाम की तारीख शुरू की थी ना इन्होंने मनसूबा बनाया कि जिथे भी गोरे के खिलाफ कार्रवाई की जाए स्पैशल मेलों से उर्सा जिथे भी गोरे की यानी कि सिक्योरिटी तैनात हो उत्थे गोरियां नूं इह कह के कतल किया जाए कि पंजाब छड्डो, यानी कि कह लो कि पंजाबी पंजाब छड्डो तारीख का बानी बन गया निजाम लुहार। फिर इन्होंने जाके पिंडो पिंड यानी कि इन्होंने पिंडा ग्रामों में जाना तो छोटे जिमींदारों दसना कि असी गोरे के खिलाफ पंजाब छड्डो तारीख शुरू की है। तो फिर बागियाना सोच रखने वाले जितने नौजवान होंगे है ना वो अपने बजुर्गों तो अपने जगीरदारों तू चोरी चोरी जाके वह निजाम लुहार की तारीख का हिस्सा बन देंगे। गोरे के खिलाफ वो इतनी जानी कि सख्त तहरीक बन गई कि गोरे नूं सिर्फ खतरा नहीं बल्कि खौफ तो दहशत की लामत बन गया। उन्होंने जानी कि इंग्लिश अंपायर ने सोचा कि जानी कि किसी भी तरीके किसी भी कीमत निजाम लुहार नूं दा सिर लाया जाए। फिर उन्होंने अपने एक उन्हों का पुलिस ऑफिसर सी पंजाब का कैप्टन लुइस वो बड़ा मुफहमत पसंद मुफहमत वाला बंदा डिप्लोमैट कह लो डिप्लोमैट बंदा सी। उन्हें निजाम लुहार नूं किसी तरीके मैसेज भेजा कि मेरे नाल तू डायलाग कर लै साडे नाल डायलाग कर डायलाग ते जो तू चाहना तेरे असीं तेरे मुतालबात मान लैने। निजाम लुहार उहदे कहण ते उहदी जगह ते वह पहुँच गया जिथे उन्हें लुइस ने कहा सी। उत्थे जिथे पहुँचा तो डायलाग शुरू होए तो निजाम लुहार ने आले दुआले तकिया ते आले दुआले गन्ना फिट होईआं, यानी कि मकसद है निजाम लुहार नूं पता लग गया कि यह इन्हें मैं मुजाकरात वास्ते नहीं इन्हें मैं कतल करने वास्ते बुलाया। तो निजाम लुहार ने फौरी तौर पर अपनी वो कारबीन कढ़ी तो उन्हें लुइस नूं गोली मार के आपू थू निकल गया। बड़ा ही सख्त मुकाबले तो बाद उन्हें काफ़ी उदे
कह लो जे सिक्योरिटी वाले वो मार के तो वह निकल गया उतो निकलिया। तो उस तो बाद एक बारी ना जबरू मिलने वास्ते बसनत बसनत के एक मेले से जा रहा, मेले सतलज पार उधर जा रहा है। तो रस्ते चुनू प्यास लगी तो उतो एक कुड़ी गुजरती जाती, उन्हें लस्सी का कटोरा चुकया। निजाम लोहार ने उन्होंने कहा कि मेरी भैन एक मैं प्यास लगी तो कोई है ही पीन, तो उन्हें कहा कि उन्हें उस कुड़ी ने उन्हों लस्सी का कटोरा दिता। निजाम लोहार ने पी के तो उन्हें खुश होकर ना तो अपनी जेब उस वक्त यानी कि काफ़ी सारे पैसे कट के तो उस कुड़ी देने की कोशिश की। तो उस कुड़ी ने कहा कि नहीं मैं नहीं लाँ। निजाम ने कहा कि क्यों? उन्हें कहा कि क्योंकि प्रोपेगंडा इतना निजाम के खिलाफ सख्त हो चुका है ना कि गोरा के जितने डाउट आए उन्होंने निजाम लोहार में डकैत तो जालम तो जाबर तो सवाग तो पता नहीं के डिकलेयर करता। तो वो जो आम लोग आए ना उन्होंने जेन च बह गया कि निजाम लोहार कोई डाकू है। तो वह कुड़ी फौरी तौर पर कहती है निजाम लोहार का इलाका है तो जो पैसे लैन का क्या फायदा, जे मैं पैसे लैने तो रात को मेरे घर डाका मार के तो उन्हें लै जाने। फिर निजाम लोहार ने उत्थे उसके सामने अपने आप को जाहिर करता, उन्हें अपना डाटा खोलिया तो वह डब्बू खोल के तो उन्हें कहा पंजाब की हर कुड़ी मेरी भैन है तो मैं निजाम लोहार हाँ, मैं सिर्फ साहूकार जागीरदारा लुटना वा तो गरीबों के भी तकसीम कर देना वा, मैं सिर्फ गोरे राज के खिलाफ हाँ, मैं पंजाब की किसी धी भैन के खिलाफ नहीं है, मेरी सारिया मेरिया भैन ने। वो उस वाक्य ने ना निजाम लोहार की नेकनामी इजाफा कर दिता। आइए बसंत मेले तो पहुँच आई है तो कुड़ी भी उत्थे पहुँच आई। उस कुड़ी ने निजाम लोहार की बांह ते राखी बन दी। राखी हिंदुआ सिखा तुम देखे होना कि राखी हमेशा भैं अपने भरा बनदियां ने। तो निजाम लोहार भावें बेशक मुसलमान से लेकिन जूं ही उन्हें राखी बधी तो उन्हें आख्या तू मेरा भरा है तो अगले हफ्ते मेरी शादी है तो मेरी शादी ते आवना ही। तो जिस वक्त कोई कुड़ी किसी पंजाब के अज भी इस तरह के जी जिस वक्त कोई किसी मूँह बोलिया भावें भरा कह दे ना तो फिर भरा अपन भैनों ने माण रखते हैं। निजाम ने कहा कि मैं तेरी शादी ते आवाना। उस तू बसनत मेले तू वापसी गुजरदा निजाम ने उस इलाके का इंस्पैक्टर एक दो पुलिस अफसर फिर मार दिते तो बड़ा ही औखा उतू निजाम लोहार नसया। बहर एक हफ्ते के बाद उस कुड़ी का नाँ सी मोहनी, एक हफ्ते बाद मोहनी की शादी सी। तो निजाम ने दो चार साहूकार अमीर लोगों को लुटिया, उन्होंने वेलिया तो मतलब उन्होंने वेलिया के वाड़ के उन्होंने साहूकार लुट के उन्होंने जितना माल दौलत आ यानी कि वह लुट लट के तो उस दा मोहनी के घर पहुँच गया। उन्हें सारा मालो दौलत उन्होंने मोहनी दे दिता तो वो उत्थे भी मुखबरी हो। तो निजाम लोहार उत्थे भी बड़ा यानी कि बड़ा तरीक रही थी कि बहुत डाढ़ा मुकाबला करके उतों जबरू जट की मदद ला जबरू जट पहुँच आया से हैल्प में तो सूजा सिंह उन्होंने हैल्प ना ही उत्थे पहुँच आए मकसद उतों निकलिया। तो जिस निकलिया तो उस तो बाद तीन महीने तक वह छांगा मांगा दिया जंगलों में उन्हें पनाह ले रखी जबरू जट को। उस तीन महीने के दौरान उन्होंने खबर लभी क्योंकि इंग्लिश अंपायर ने फैसला कर लिया कि किसी भी तरीके इन्होंने तिनां पंजाबी छेडो तरीक के बानी जोड़े बने फिरते हैं इन्हों इन्हों किसी भी तरीके लम्या पाया जाए या अपना राह जुटाया जाए। तो उन्होंने सूजे सिंह का हाल यह क्या कि उस वक्त की एक बदकमाश औरत सी छिया वो नाल दे पिंड की उन्होंने छिया के थ्रू सूजे सिंह तो सूजा सिंह उद्देशक गिरफ्तार हो गया। तो वह हर वक्त छिया के नाल जब करो उन्हें उस तो बाद अपनी पंजाबी आज़ादी की तहरीक उन्हें अपनी माँ तक नूं मिलना छड्ड दिता। इस गल का जिस निजाम लोहार को पता लगा तो उन्होंने बड़ा दुख लगा वह उतु छांगा मांगा दे जंगलों चों निकलिया तो सीधा उत्थे तरन तारण पहुँचा। उत्थे पहुँच के तो उन्हें सीधा सूजे सिंह के घर गया अपनी मूँह बोली माँ माई मेहता मिलिया छलिया तो मकसद वो तिमारदारी की। तो निजाम लोहार ने उत्थे जाके फिर छिया तो सूजे चंगा सख्त बुरा भला भी किया तुम पंजाबी कह लो कि उन्हें गाला कड़िया उसे गाला कड़िया ना तो छिया मौका लग गया। छिया ने सूजे कहा कि सूजा तू कौम का भी जट है तो इस लोहार की क्या तू लड़ना है पाया तो ये सिर त 10,000 रुपया नाम है तो 4 मुरब्बे जमीन है तो तू तो चंगा भला सरदार आदमी है तू कि पिछे लगे हाँ तो यदी मुखबरी कर तो इनू फड़वा नाल 4 मुरब्बे जमीन लभ जाएगी 10,000 रुपया लभ जाएगा साड़ी नस्लों वास्ते काफ़ी है।
क्योंकि उस टाइम अज तो दो डेढ़ दो सदियां पहला 10,000 रुपए की कीमत तुसी 10 करोड़ की कह सकते हो। तो वह सुजा सिंह उहदियां गल्लां विच आ गया 6 हज़ार तो सुजा सिंह के घर ही आया आया सी निजाम लोहार। सुजा सिंह ने मुखबरी कर दी निजाम लोहार जिसे मुखबरी की तो गोरे दियां गर्दां चढ़ाइयां तो तारीख लिखी है कि 48 घंटे उन्हें मुकाबला किया कल्ले एक सिंगल परसन ने उस इतनी वड्डी फौज का 48 घंटे उन्हें मुकाबला किया उहदे कोल जिहड़े भी हथियार आए तो अपने हत्थां दे बनाए हथियार आए गन समेत खुद आ 48 घंटे मुकाबले तो बाद सिर ते तुसी कह लो कि तांबिया या जिहड़े स्टील दे बने तांबे दे बने भांडे अज भी जे साडे पिंडां दे विच होणगे उहने उह सिर ते पा के रखे सिर ते गोली ना लगे ते ओ उथू अपने घोड़े ते चढ़ के बाहर नसे फायरिंग करदा बाहर नसे तो उहदा सिर एक दरख्त नाल लगा तो उत्थे ही थले टै पिया। उस तो बाद गोरे ने उन्हें शहीद कर दिता तो उहदी लाश चुक के ते सिविल हस्पताल कसूर दे विच रख दित्ती गई। जूं ही पूरे पंजाब विच खबर फैली है कि निजाम लोहार शहीद हो गया तो पूरे पंजाब तो कह लो पिंडी तो ला के दुनिया पुर शाहजहाबाद तक तो शाहजहाबाद तो ला के तोड़ अमृतसर दिल्ली तक पंजाबी अपने उस सुरमे की लाश में वेखण वास्ते कसूर पहुँच गए। गोरे ने जिसे सूरत हाल देखी तो अपसैट हो गया उन्हें फिर इहदा हल इह कढ़िया कि उन्हें कहा कि निजाम लोहार का जनाजा वह पड़ेगा जिहड़ा 2 रुपए टिकट देवेगा यानी कि उस दौर दे विच 2 रुपए तुसीं अज तो 2 सदियां पहले देख लवो अज तू यानी कि 70 साल पहले कैद आजम की तनखाह जदों वह गवर्नर जनरल पाकिस्तान आए 1 रुपया सी तो गोरे ने उस टाइम यानी कि 1857-1865 दे दिए गल तो उस टाइम उन्हें 2 रुपए उहदे जनाजे की कीमत रख दी। तुसीं कह लो कि इंसानी तरीक का सब तो महंगा तरीन जनाजा निजाम लोहार का जनाजा सी ते 73,000 रेवन्यू इकट्ठा उन्हें किया गोरे ने यानी कि कहने का मकसद है कि 37,000 बंदे ने फिर भी जनाजा 2 रुपए पे करके उहदा जनाजा पड़िया। बहरहाल उस तो बाद निजाम लोहार अज भी उहदी कबर कसूर के वड्डे कब्रस्तान के विच मौजूद है। कहानी इत्थे खत्म नहीं होंदी कहानी खत्म होंदी है उत्थे जिस वक्त माई मेहता नूं पता लगा कि इहदी निजाम लोहार की मुखबरी सुजे सिंह ने की तो कुछ तो लिखते हैं कि उन्हें जबरू जड़ के सामने अपने घर के सुजे सिंह नूं गोलियां मार दित्तियां। कुछ रवायत ऐ ने कि थाने दे विच सुजा सिंह तो जबरू जट उसे थाने के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो माई मेहता ने थाने के जाके अपने पुत्र सुजा सिंह गोलियां मार दी तो उसकी लाश से खलो के उन्हें बड़े त्रिखी लफज के उन्हें आख्या कि तू बेशक मेरा पुत्र है पर मैं तेनों अपना दुध नहीं बख्शांगी तेनों अपन 32 धारा नहीं बख्शन लगी क्योंकि तू पंजाब के हीरो का कातल है तो तू पंजाबी कौम का गद्दार है मैं तेनों अपन 32 धारा नहीं बख्शन लगी। तो कहानी तो इत गई है खत्म हो गल कर मकसद इतना वे कि जिस तरह तुर्की देख तुसी देख लवो कि तुर्की का कायको सानी तुर्की का सलजोग हुकमरान वो मंगोल हुकमरान अलाकू खान या पैरों के बह गया बल्कि तारीख लिखती है कि कायको सानी ने अपनी फोटो वाली जराबा बनवाइया वो जराबा उन्हें लाकू खान के पैरों से पाइया पैरों से पा के तो उन्हें लाकू खान को कहा कि ऐ तुसी जांपना तुसी ऐ मेरे सिर के उपर रखो तो मैं खुश होना हूँ यानी कि चापलूसी की हद तक गिरी किस्म कह लो कि कायको सानी ने की ठीक है। लेकिन तुर्की ने क्या किया कि तुर्की ने कायको सानी तो कदम गल ही नहीं की। तुर्की ने उस वक्त का जो फ्रीडम फाइटर से जोड़ा मंगोलों के खिलाफ लड़िया यानी कि मुगल अंपायर के जो खिलाफ लड़िया तुर्की का जोड़ा हीरो सी वह अरतगरुल गाजी सी ठीक है यानी कि वह फ्रीडम फाइटर थी। बेशक तुर्की तो हुकूमत मंगोलों की हो गई ही लेकिन तुर्की ने अज भी अपना हीरो ते अपना सूरमा तुर्की अरतगरुल गाजी मनता है कायको सानी नहीं मनता। इस तरह उस वक्त जितने भी जिन्ह लोगों ने जो इंग्लिश अंपायर पंजाब से हुकूमत करता रहा तो असी उन्हें यानी कि जागीरदारा या मतलब उन्होंने जिन्होंने जिन्होंने हुकूमत जिन्होंने गोरे हुकूमत करने की तामन किया असी उन्हों का जिक्र करने के बजाय क्यों ना
अपने उन्होंने सुरमियों का जिक्र करिए करिए जिहड़े गोरे के खिलाफ लड़े ने। राय अमदहान शाह खरल शहीद 1857 आजादी का हीरो, बख्त खान, उस तो बाद जबरू जट, निजाम लवार, इन्हों गल क्यों नहीं की जा सकती। यानी कि जिथे पंजाब दे विच गद्दारां दी एक फौज जफर मौज आई, उत्थे हीरोआं दी भी कोई कमी नहीं सी। यानी कि जिस वक्त तुसीं अगर पंजाबियों नूं इत्तां ना जिस वक्त कोई दिंदा है कि पंजाबियों ने गद्दारी की अपनी कौम नाल, तो उस वक्त उदों तों मुराद यह नहीं कि पूरी पंजाबी कौम ने गद्दारी की, उद फिर तुहानूं ऑटोमैटिकली राय अमदहान खरल शहीद, निजाम लवार, जबरू जट, बख्त खान नूं उन्हां तों बाहर कढ़ना पवेगा। यानी कि जिस वक्त तुसीं बनू अमैया तो उंगली चुकते हो, उन्होंने अंदाजे हुक्मरानी तो उंगली चुकते हो, तो वह तो मुराद बिल्कुल यह नहीं होंगे है भी कि तुम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में बुरा भला कहते हो ना। वो विचू उन्होंने सिप्रेस नहीं किया जा सकता उन्होंने किरदार उन्होंने खिदमात को। इस तरह जिस वक्त बनू आशम दियाँ अच्छाइया बयान करते हो तो उस बिल्कुल अबू लाभ में चंगा बंदा नहीं कह सकते। इस तरह हर कौम के यानी कि कुछ चंगे रोल होंगे ने, कुछ बुरे रोल होंगे ने, तो जोड़े चंगे रोल होवन, जोड़े सुरमिया के रोल होवन, जोड़े हीरों के रोल होवन। सानू अज अपनी नसल में यह दसना पवेगा कि निजाम लवार कौन सी, निजाम लवार साडा हीरो सी, राय अमदहान खरल शहीद साडा हीरो सी। तो मैं गौरमेंट ऑफ पाकिस्तान अगे तो गौरमेंट ऑफ पंजाब अगे न अपील नहीं करता, मुतालबा करना कि निजाम लवार मजमून पंजाब टैक्सट बुक बोर्ड दिया दे निसाब का हिस्सा बनाया जाए। जीवदे वसदे रहो, अल्लाह ने के बाद।